हेलो बेटीज, कितना सारे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको प्लम की न्यू लॉन्च मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक का डिटेल्ड रिव्यू देने वाली हूँ, विच इज नॉन स्पॉन्सर्ड। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसका। ऑल्सो मेरे पास कुछ शेड्स हैं, मैं उनके स्वेचेस भी दिखाऊंगी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो चलो वीडियो स्टार्ट। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि प्लम एक वेल नोन ब्रांड है, जो कि पहले एक स्किन केयर ब्रांड था जिसके सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते थे, जो कि काफी अच्छे हैं। ट्रस्ट में, मैं भी करंटली यूज कर रही हूँ इनके, प्लम के स्किन केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना मेकअप भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने काजल, मस्कारा, नेल पेंट, अब लिपस्टिक्स, सब कुछ इन्होंने लॉन्च कर रखा है। तो अभी जो इन्होंने है ये नई लॉन्च की है, ये मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक्स लॉन्च करी है। मेरे पास इनके चार शेड है, मैं चारों के आपको भी दिखाऊंगी, ऑल्सो इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसे हैं। वैसे तो इन्होंने काफी सारे शेड्स लॉन्च किए हैं, लेकिन मेरे पास हैं ये चार शेड प्लम लिक्विड लिपस्टिक के। जो मैंने करंटली अप्लाई कर रखा है वो है 125 ग्रेपफुल, इन्हीं में से एक शेड मैंने अप्लाई कर रखा है, ये वाला। तो इनकी पैकेजिंग की बात करें तो इनकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है जिसके ऊपर ऐसे मेड इन हेवन प्लम लिखा हुआ है, एंड इसकी कुछ ऊपर से ऐसा है कार्डबोर्ड, यू कैन सी, विच इज नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग। एंड जो इनर प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। सी, आपको काफी सारा प्रोडक्ट मिल जाता है, काफी ह्यूज लिपस्टिक है। एंड इसकी जो आउटर पैकेजिंग है मुझे ये वाली काफी अच्छी लगी। यू कैन सी यहाँ पे हर्ट्स बने हुए हैं, इनका जो कैप है और इसका एप्लीकेटर भी अच्छा खासा है, मैंने ट्राई करके देखा था। सी, इसका एप्लीकेटर अच्छा है, थोड़ा स्लीक है, जिससे इजीली आप अपने लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। इसका टेक्सचर है ना वो काफी क्रीमी है, सी, क्रीमी और लिक्विड क्रीमी टेक्सचर है इसका। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, अप्लाई करने के आई थिंक 30-40 सेकेंड्स में ही ये आपके लिप्स पे बिल्कुल मैट हो जाती है। एंड ये ट्रांसफर प्रूफ है, यू कैन सी, ये नहीं निकलती। और आप मास्क लगा लो, चाहे आप कुछ खा पी रहे हो तभी भी नहीं निकलेगी। एंड इसका जो स्टे है ना वो आपके लिप्स पे आराम से 4-5 घंटे तक तो स्टे करेगी ही करेगी, इवन आप कुछ खा भी रहे हो ना तभी भी आपके लिप्स पे आराम से 4-5 घंटे तक स्टे करेगी। ऑल्सो ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती, विच इज गुड पार्ट। मतलब मुझे काफी अच्छी लगी इसकी ये बात कि आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती। कुछ लिपस्टिक होती है ना ऐसे थोड़ी देर बाद ड्राई कर देती है और चिप चिप करने लग जाती है, बिल्कुल भी नहीं करती। और इसकी पैकेजिंग भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ अफोर्डेबल अफोर्डेबल वाली, बट है तो ये अफोर्डेबल ही। इसकी पैकेजिंग देखें, इसका फॉर्मूला, टेक्सचर, सब कुछ देखें ना, इसकी जो क्वालिटी देखें ना, तो इसका जो प्राइस है आई थिंक 499 है, विच इज वर्थ, मतलब वर्थ ट्राइंग है। आप इसका 499 अगर आप इसके लिए दे रहे हो ना, तो आपको यूज करने के बाद लगेगा कि आपने बहुत सही दिए हैं, कोई ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं। बट वैसे कहें तो ये अफोर्डेबल नहीं है, मतलब 499 थोड़ा सा ज्यादा है लिपस्टिक के लिए। Why, दादा, why? This is business. बट ठीक है, प्लम जैसा ब्रांड मिल रहा है आपको, ऊपर से इतनी अच्छी लिपस्टिक्स मिल रही हैं, तो मैं आपको ये शेड तो आपको दिख ही रहा है मेरे लिपस्टिक कौन सा है। देन मैं आपको नेक्स्ट, मेरे पास शेड है जो सेकंड शेड इज 129 कैरामेलो। अब इसका मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ। लिपस्टिक है ना ये ह्यूज मिल जाती है आपको, मतलब आराम से आप इसको रेगुलर भी यूज करोगे ना तो आई थिंक 1 month से ऊपर ये आराम से निकालेगी। सी द शेड, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला शेड भी। नेक्स्ट शेड इज दिस 127 रसबेरी रश। ये मेरा इन चारों शेड्स में से सबसे फेवरेट शेड है, मतलब ना ये रेड में आता है ना ये पिंक में आता है, बट ये रेड भी लगता है पिंक भी लगता है, और अप्लाई करने के बाद इतना प्रीटी लगता है ना, स्पेशली अगर आपका फेयर टू मीडियम स्किन टोन है ना तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। सी ये वाला शेड है, अभी ये थोड़ी सी गीली है तो निकलेगी, और सूखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं निकलती एज आई शो यू। तो ये वाला है इसमें। द नेक्स्ट शेड इज दिस 123 सिनेमन पॉप, विच इज अ न्यूड शेड। मतलब अगर आप रेगुलर ऑफिस वगैरह या फिर कॉलेज वगैरह जा रहे हो ना, तो आपको अप्लाई करने के लिए लिपस्टिक चाहिए जो ज्यादा ब्राइट भी ना हो, एंड समर सीजन में तो वैसे भी न्यूड शेड या फिर पेस्टल शेड से अच्छे लगते हैं, तो आप ये शेड डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और इसका स्वेच है ये वाला। सी कितने प्रीटी लग रहे हैं ये शेड्स,
लिपस्टिक के लिए थे, जिसमें से 3 डार्क शेड है एंड 1 न्यूड शेड है. न्यूड शेड विल बी परफेक्ट फॉर द समर सीजन और रेगुलर यूज के लिए या फिर ऑफिस कॉलेज वगैरह के लिए काफी अच्छा रहेगा. तो ये चारों शेड मुझे काफी प्रिटी लगे. ऑल्सो ये मैंने आपको बताया कि नॉन ट्रांसफर है एंड लॉन्ग लास्टिंग है. ऑल्सो ये वर्थ ट्राइंग है. काफी अच्छी खासी आपको अमाउंट भी मिल जाती है. इनका टेक्सचर, इनका फॉर्मूला सब कुछ काफी अच्छा है. ट्रस्ट मी, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. तो आपको ये डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए. प्लम के जो थे स्किन केयर प्रोडक्ट तो काफी अच्छे थे. मैंने ये फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट है जो मैं प्लम का ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ रेगुलर एंड मैं इसमें और भी शेड्स डेफिनेटली मंगवाने वाली हूँ. तो ये थी छोटी सी रिव्यू वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा शेड इनमें से ज्यादा अच्छा लगा. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. बाय बाय.